नमस्ते बच्चों, आपका हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ दो, जिसका नाम है गीता का उपदेश। गीता का उपदेश किसके बीच में हुआ था? भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में, ठीक है। इसका मतलब है महाभारत के युद्ध का समय था। धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बिना शस्त्र उठाए पांडवों के सारथी बनने का दायित्व निभाया। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन का मन विचलित, मतलब विचलित का मतलब मन जो था भटक रहा था। श्री कृष्ण के द्वारा दिया यह ज्ञान श्री कृष्ण भगवद गीता का ज्ञान कहलाता है, ठीक है। ये हो गया गीता का उपदेश का अर्थ, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण, गीता में श्री कृष्ण में क्या अंतर है? गीता और श्री कृष्ण में यह अंतर है कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ना तो मैं किसी को सुख देता हूँ और न ही किसी को मैं दुख देता हूँ। मनुष्य स्वयं के कर्मों से ही सुख और दुख को प्राप्त करता है, ठीक है। अब गीता और महाभारत में क्या अंतर है? महाभारत युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह क्या कहलाता है? श्रीमद् भगवत गीता कहलाता है, ठीक है ना। यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है, ठीक है। 718 अध्याय और 700 श्लोक है, ठीक है बेटा। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें दिया हुआ है भाव संदेश, ठीक है। महाभारत का युद्ध तय हो चुका था। भगवान कृष्ण युद्ध की भयानकता को समझते हुए शांति दूत बनकर कौरवों के पास गए। मतलब जो महाभारत का युद्ध था वह मतलब निश्चय हो गया था कि इस दिन युद्ध होना शुरू हो जाएगा। ये भयानकता को उनको डर मतलब था कि ये सब मतलब क्या हो जाएगा। तो उसके मतलब घबराहट से श्री कृष्ण जो थे दूत संदेशवाहक बनकर कौरवों के पास गए थे। कौरव कौन थे? कौरव हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी के 100 पुत्र थे, ठीक है। उनके पास गए थे। दुर्योधन से युधिष्ठिर के लिए आधा राज्य या फिर 5 गांव देने के लिए कहा, ठीक है। उन्होंने जो उनसे 5 गांव मांगा, ठीक है। श्री कृष्ण की बात सुनकर दुर्योधन ने पांडवों को सुई की नोक के बराबर भूमि भी देने से मना कर युद्ध करने का निश्चय किया। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें सुई की नोक जैसी होती है ना, सुई की नोक छोटी सी, हम तुम्हें इतनी भूमि नहीं देंगे और हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र की धरती पर हुआ था, ठीक है। जो महाभारत का युद्ध हुआ था वह कुरुक्षेत्र कहाँ है? हरियाणा के उत्तर में स्थित है, ठीक है। युधिष्ठिर और दुर्योधन की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में आ डटी। जो युधिष्ठिर और दुर्योधन की जो सेनाएं थी वह कुरुक्षेत्र के मैदान में आ खड़ी हुई। अपने विपक्ष में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण आदि स्वजनों को देखकर अर्जुन ने गांडीव का अर्थ है अर्जुन के धनुष का नाम, ठीक है। जो विपक्ष मतलब विपरीत किसके? पितामह और भीष्म के विपरीत जो स्वजन थे, उनके जो सगे संबंधी थे, उनको देखकर अर्जुन ने अपने धनुष को क्या कर दिया? नीचे रख दिया, ठीक है। तथा भगवान श्री कृष्ण से कहा उन्होंने कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं लड़ाई नहीं करूँगा, ठीक है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, विषम परिस्थितियों में कायरता को प्राप्त करना श्रेष्ठ मनुष्य के आचरण के विपरीत है। न तो यह स्वर्ग की प्राप्ति का साधन है और न ही मोक्ष का। वह कहते हैं कि कठिन परिस्थितियों में कायरता को प्राप्त नहीं करना चाहिए, ठीक है। श्रेष्ठ बड़े मनुष्य का आचरण यह है कि जो भी तुम्हारे सामने परिस्थिति आती है उसका डटकर सामना करना चाहिए। अर्जुन, बड़े ही शोक की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं तथा राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों का नाश करने को तैयार हैं।
इसका अर्थ है, अर्जुन कहते हैं कि यह बड़े ही दुख की बात है कि हम बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं तथा अपने राज्य और सुख के लालच में अपने स्वजनों मतलब अपने सगे संबंधियों का नाश करने के लिए तैयार हो गए हैं। ठीक है, श्री कृष्ण, हे अर्जुन भय मत कर, हे अर्जुन डरो मत, निर्भय होकर अपने कर्तव्य का पालन करो, मतलब निडर होकर अपने कर्तव्य का पालन करो, यही तुम्हारा श्रेष्ठ कर्म है, यही तुम्हारा बड़ा ही धर्म है। मन में किसी प्रकार के प्रश्न हो तो करो, अगर तुम्हारे मन में किसी प्रकार का प्रश्न है तो उसको पूछ सकते हो। अर्जुन, भगवान मरने के बाद क्या होता है? अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से कि मरने के बाद इस शरीर का क्या होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे इसी जन्म में जीवात्मा बाल युवा और वृद्ध शरीर प्राप्त करता है, वैसे ही जीवात्मा मरने के बाद नया शरीर प्राप्त करता है। इसलिए वीर पुरुष को मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे हम जन्म लेते हैं, जन्म के बाद हमारा बाल युवा और वृद्ध तीन शरीर प्राप्त होता है। जैसे बाल होता है जो छोटा शिशु होता है, युवा जो 11-12 साल के जो बच्चे 15 साल के होते हैं, वृद्ध मतलब जो बुढ़ापा होता है, ये तीन शरीर हमें प्राप्त होते हैं। वैसे ही जीवात्मा मतलब जो आत्मा है मरने के बाद नया शरीर प्राप्त करता है। ठीक है, इसलिए वीर पुरुष को कभी भी मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। अर्जुन, इस शरीरांत के पश्चात आत्मा क्या करता है? मतलब इस शरीर के बाद अगर शरीर मर जाता है तो उसके बाद आत्मा क्या करता है? श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को उतारकर दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीव की मृत्यु के बाद आत्मा पूरे शरीर को त्याग कर नया शरीर प्राप्त करता है। अर्थात कि इसका अर्थ है कि जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को उतारकर नए वस्त्र को पहनता है, उसी तरीके से जो जीव है, जो मनुष्य है, मरने के बाद पुराने शरीर को छोड़ के नया शरीर को प्राप्त करता है। ठीक है, अर्जुन, भगवान क्या आत्मा भी नश्वर होता है? इसका अर्थ है कि क्या आत्मा भी मतलब नश्वर का अर्थ होता है जिसका अंत हो जाए, क्या आत्मा का भी अंत हो जाता है? श्री कृष्ण, शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, मरने वाले का जन्म निश्चित है, अतः जो अटल है इसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अर्थात जो आत्मा है इसको शस्त्र काट नहीं सकती, आग इसको जला नहीं सकती, जो पानी है इसको गीला नहीं कर सकती और जो हवा है इसको सुखा नहीं सकती, और जो जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित ही है, मतलब जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसको एक ना एक दिन मरना ही है। ठीक है, और यह अटल है मतलब इसको कोई टाल नहीं सकता, उसके लिए तुम्हें शोक करना नहीं चाहिए। अर्जुन, वासुदेव मृत्यु क्या है? जीवन का अंत? श्री कृष्ण, परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो तो दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। अर्थात जो संसार का जो परिवर्तन है, संसार का नियम है, इसको कोई नहीं बदल सकता, उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहते हैं। ठीक है, तुम मृत्यु जिसे समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के मालिक बन जाते हो, बहुत सारा पैसा आ जाता है, और एक क्षण में तुम्हारे पास एक बूटी कौड़ी नहीं रहती, दरिद्र हो जाते हो मतलब गरीब हो जाते हो। इस संसार में मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया सब मन से मिटा दो, फिर क्या तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा और तुम सबके प्यारे हो जाओगे। ठीक है अर्जुन, हे अंतर्यामी, युद्ध का भविष्य क्या होगा? हे भगवान, हे परमात्मा, युद्ध का भविष्य क्या होगा, आने वाला भविष्य क्या होगा? श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा।
तुम भूतकाल का पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो हुआ वह अच्छा हुआ और जो हो रहा है वह भी अच्छा ही होगा, ठीक है ना। तुम भूतकाल का पश्चाताप मत करो, जो होने वाला है उसका पश्चाताप क्यों कर रहे हो, ठीक है ना। जो चल रहा है उसके बारे में सोचो, ठीक है। अर्जुन, मैं इनके गोद में खेला हूँ, इन्होंने मुझे और भी बहुत कुछ दिया है। वह कहते हैं किसको, मतलब जो उनके सामने युद्ध के लिए खड़े हुए थे, उनके सगे संबंधी, ठीक है ना। अर्जुन से कहते हैं श्री कृष्ण कि मैं तो इनके गोद में खेला हूँ, मैं उनसे कैसे युद्ध कर सकता हूँ, ठीक है। श्री कृष्ण, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया, ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी भगवान को दिया। ये तो बात सही है। इसमें कहा गया है कि तुम जब पैदा हुए थे तुम कुछ लेकर आए थे, नहीं, ठीक है ना। जो कुछ भी लिया इसी संसार से लिया, और जो कुछ दे के जाओगे इसी संसार को दे के जाओगे, ठीक है ना। इसे भगवान ने दिया और इसे ये भगवान को दे के जाओगे, तो इसमें किस बात का शोक है। अर्जुन, हमारे सामने सगे संबंधी खड़े हैं, मैं इन्हें कैसे मारूं, मेरे सामने मेरे सब सगे संबंधी भाई बंधु सब खड़े हैं, मैं इन्हें कैसे मारूं, कैसे शस्त्रों को चलाऊं। श्री कृष्ण, काम क्रोध और लोभ ये जीवन को नरक की ओर ले जाने वाले हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग करना चाहिए। सगे संबंधी शब्द इस असार संसार का मोह माया है, मोह का त्याग करो। काम क्रोध और लोभ ये सब क्या है, हमें जीवन में जैसे हम कामनाएं किसी करते हैं, क्रोध करते हैं, लालच करते हैं, ये सब क्या हमें करते हैं जीवन में, जीवन को नरक की ओर ले जाते हैं। लालच अच्छी बात नहीं है ना, गुस्सा करना भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। तो इसकी जो वासना जो होती है हमें बुरे चीज़ों की तरफ ले जाती है, ठीक है। इसलिए हमें इन तीनों का क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, और मोह माया का भी त्याग करना चाहिए। अर्जुन, अपने स्वजनों एवं अन्य संबंधियों को मारकर पाप लगेगा। अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से कि अपने स्वजन जो आगे हमारे सगे संबंधी हैं उन्हें मारकर हमें पाप लगेगा। श्री कृष्ण, सुख दुख लाभ हानि और जीत हार भगवान के हाथों में हैं, ऐसे भाव से कर्म करने पर मनुष्य को पाप नहीं लगता। मतलब जो सुख दुख है, जो लाभ हानि है, जीत हार है, भगवान के ये सब हाथों में हैं, ठीक है ना। हमें तो अपना कर्म करना है, अपने कर्म की तरफ ध्यान देना है, ऐसे कर्म करने पर हमें पाप नहीं लगता। अर्जुन, यदि मेरी हार हो गई तो क्या होगा। श्री कृष्ण, केवल कर्म करना ही मनुष्य के वश में है, कर्म के फल में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य केवल कर्म कर सकता है, ठीक है ना, उसके जो फल मिलना है उसके वश में नहीं है। इसलिए तुम कर्मफल की अशांति में ना फंसो तथा अपने कर्म का त्याग ना करो। यदि तुम मृत्यु को प्राप्त हुए तो स्वर्ग जीत गए तो राज्य प्राप्त करोगे, ठीक है ना। मतलब कि तुम अपना कर्म की तरफ ध्यान दो, ठीक है ना, और जो तुम्हारे सगे संबंधी इनके आचरणों में मत फंसो, कर्म का त्याग ना करो, कर्म करते रहो। यदि तुम मृत्यु को प्राप्त हुए तो स्वर्ग जीत गए तो राज्य प्राप्त, अगर मृत्यु को प्राप्त हो गए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी और जीत गए तो राज्य की प्राप्ति होगी। उन्होंने ये संदेश दिया, उनको नीचे दिया है समझने के लिए। महाभारत को धर्म युद्ध कहते हैं। महाभारत युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध संचालकों ने युद्ध के कुछ नियम बनाए थे। युद्ध के नियम को पढ़िए। नियमों का पालन दोनों सेनाओं को करना अनिवार्य किया गया था। मतलब ये है कि नीचे ये कुछ नियम दिए हुए हैं सात युद्ध के, मतलब जो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था, ठीक है, तो उनके बीच में ये नियम कुछ बनाए गए थे, उनका पालन करना दोनों सेनाओं का कर्तव्य था, ठीक है ना। तो आइए देखें आगे युद्ध के नियम। प्रतिदिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही युद्ध होगा। मतलब रोज़ जब सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त तक ही युद्ध होगा, उसके युद्ध सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा, सूर्यास्त से पहले युद्ध नहीं होगा, ठीक है।
युद्ध समाप्ति के पश्चात छल कपट छोड़कर सभी प्रेम का व्यवहार करेंगे। जब युद्ध खत्म हो जाएगा रोज का, तो छल कपट को छोड़कर, भेदभाव को छोड़कर सभी आपस में प्रेम का व्यवहार करेंगे। ये नियम बनाए गए थे युद्ध के। रथ वाला रथ से, हाथी वाला हाथी से और पैदल चलने वाला पैदल से ही युद्ध करेगा। मतलब ये है कि जो रथ पर खड़ा होगा तो वो रथ वाले पे ही युद्ध करेगा, हाथी वाला हाथी वाले से ही युद्ध करेगा, और जो पैदल खड़ा होगा पैदल वाले से ही युद्ध करेगा। ये नहीं कि जो रथ पर है वो पैदल वाले को वार करेगा, तो ये ऐसा नहीं था। ठीक है, एक वीर के साथ एक ही वीर युद्ध करेगा, एक वीर योद्धा के साथ एक ही वीर युद्ध करेगा। ठीक है ना, भय से भागते हुए या शरण में आए हुए पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार नहीं किया जाएगा। मतलब जो भी शरणार्थी होगा, जो डर के मारे किसी के पास शरण में जाता है, तो उस पर प्रहार नहीं किया जाएगा। जो वीर निहत्ता हो जाएगा उस पर कोई अस्त्र शस्त्र नहीं चलाएगा। अगर युद्ध करते हुए अगर किसी का हथियार शस्त्र या अस्त्र गिर जाता है नीचे, तो उस पर कोई वार नहीं कर सकता। ठीक है ना, युद्ध में सेवक का काम करने वालों पर कोई प्रहार नहीं करेगा। जो युद्ध में जो नौकर होते थे, जो सेवक होते थे काम करने वाले पर, उस पर कोई प्रहार नहीं करेगा। ठीक है बेटा, और ये जो युद्ध के जो नियम हैं आपको अपनी कॉपी में करने हैं। ठीक है, और जो शब्दार्थ हैं आपको अपनी कॉपी में करने हैं। जैसे इसमें दिया है दूत, संदेशवाहक, स्वजन, निकट संबंधी, आसक्ति, लगाव, नश्वर, जिसका अंत हो जाए, अंतर्यामी, सब कुछ जानने वाला, शोक, दुख, कीर्ति, यश या सम्मान, पश्चाताप, अफसोस, गांडीव, अर्जुन के धनुष का नाम था, प्रहार, अधिक शक्ति से मारना, विपरीत, उल्टा, धारण करना, पहनना, विषम, कठिन। ठीक है, आपको अपनी कॉपी में ये 7 नियम दिए हैं युद्ध के, ये और ये शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में करने हैं। ठीक है, थीके?